खबर बुलंदशहर से है, जहां यूपी के बुलंदशहर सियाना में तहसील कार्यालय परिसर स्थित नगर निकाय नामांकन केंद्रों का डीएम चंद्र प्रकाश सिंह व एसएसपी श्लोक कुमार ने निरीक्षण कर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम व एसएसपी नामांकन केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां डीएम ने मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि नामांकन के दौरान पुलिस अधिकारी रक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद रहे। वहीं नामांकन करने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद दोनों अधिकारियों ने नामांकन केंद्रों बारीकी से निरीक्षण किया। देखिए, जो चुनाव होता है वो लोकतंत्र का उत्सव होता है और नामांकन उसकी पहली प्रक्रिया होती है। सभी लोग आवें, यहाँ देखें, जहाँ नामांकन करना है एक खुशनुमा माहौल हो, उनको अच्छी व्यवस्था दी जाए, ये पूरा प्रयास किया गया और सयाना में मॉडल नामिनेशन स्थल बनाया गया है। सयाना में सयाना नगर पालिका परिषद का, नगर पंचायत बुगरासी, नगर पंचायत खानपुर और नगर पंचायत बीबी नगर का नामांकन हो रहा है। आप स्वयं देख रहे होंगे कि तहसील के लोगों ने, नगर पालिका के लोगों ने बहुत ही मेहनत करके बहुत ही आदर्श नामांकन स्थल बनाया। इसके लिए मैं पूरे उपजिलाधिकारी को, इनकी पूरी टीम को, नगर पालिका को और अन्य लोग भी जो इसमें लगे हुए हैं, प्राथमिक विद्यालय के हमारे अध्यापक हैं जिन्होंने इतनी सुंदर रंगोली बनाई है, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं जनता से भी आह्वान करता हूँ कि लोकतंत्र के इस उत्सव में, जिसको जिसमें उसे अपनी लोकल गवर्नमेंट का चुनाव करना है, नगर पालिका नगर पंचायतों हित, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, किसी भी बहकावे में ना आवे, अच्छे प्रत्याशी चुने, किसी लोभ लालच में ना आए, निष्पक्ष होकर के और भयमुक्त होकर के मतदान करें अधिक से अधिक संख्या में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जनपद में 17 नगर निकाय हैं, 9 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत, 7 तहसीलें, सभी 7 तहसीलों पर कल से नामांकन शुरू किया गया है और आज भी नामांकन हो रहा है, 24 तारीख तक नामांकन होगा। सभी जगह आप स्वयं भी देख रहे होंगे सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, सभी जगह सीनियर अधिकारी और मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी वहाँ के जिम्मेदार बनाए गए हैं। मैं और एसएसपी साहब स्वयं भ्रमण करके सभी जगह का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रयास ये है कि जो भी चुनाव लड़ना चाह रहा है उसे किसी प्रकार की असुविधा ना हो, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से ये नगर निकाय का निर्वाचन हो, ऐसा हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। कितने सेक्टरों में वोटा गया? लगभग 78 सेक्टर्स में और 32 जोन्स में सारे नगर निकाय बांटे गए हैं। लगभग 825 के आसपास हमारे बूथ हैं तो, और 7,11,000 मतदाता हैं, तो पूरी तैयारी है। जो राज्य निर्वाचन आयोग का दिशा निर्देश है उसके तहत हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस नगर निकाय चुनाव को बहुत ही शांतिपूर्वक और पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कराएंगे। बुलंदशहर से धर्मेंद्र राजपूत की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।